गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कार्यक्रम में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। इसका बहुत सारा एक्सक्यूज़ मेरे पास है, लेकिन मैं एक भी आपको देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब ने हमको बहुत मिस किया। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे दोस्तों कि हम चाहकर भी आपके समक्ष नहीं आ पाए। अब हमें मौका मिला है और हम फिर से आपके पास। आज हम आपके पास लेके आए हैं महिला दिवस की रंगारंग कार्यक्रम। जानते हैं कि महिला दिवस कुछ दिन पहले चला गया है, लेकिन क्या है कि उमंग हमारी आज तक वैसे ही ताजा है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले आइए सुनते हैं नेहा त्रिवेदी जी को, जो आपसे अपने दिल की कुछ बात करना चाहती हैं। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जी हाँ साथियों, कांटों पर चलते चलते अब हम बहारों के साए में आ गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह में गाए जा क्या रोना लेकर हम फिर उपस्थित हैं। कुछ कहीं अनकहीं सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। सच कहा है मैंने गीत की इन पंक्तियों में कि नारियों के जीवन के रास्ते तो कांटे भरे होते हैं, लेकिन उन्हें उसे अपनी खुशी से, अपनी मेहनत से और अपने व्यवहार से उसे फूल में बदलना होता है। थोड़ी जिद, थोड़े उसूल, थोड़ी आज़ादी और थोड़ा जुनून काफ़ी है खुश रहने के लिए। आज मैं जब बात कर रही हूँ नारी के हौसले की, तो मुझे अपने जीवन की वो घटना याद आ रही है जो करीब 10 साल पुरानी है। मैं अपने बच्चों के स्कूल गई थी पेरेंट्स मीटिंग में। उस दिन सुबह से ही मन बहुत व्यथित था, जाने का मन नहीं था। चूंकि जाना जरूरी था इसलिए मैं गई, तो देखा कि बेटे का रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, तो मुझे अपने आप पर और परिस्थितियों पर रोना आ गया। मैं अपने बेटे के सामने और टीचर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जानती वो शिक्षिका कौन थी, लेकिन इतना याद है कि वो अविवाहित थी और उनकी उम्र करीब 24-25 साल रही होगी। उन्होंने पहले तो मुझे एक गिलास पानी पिलाया, फिर मुझसे उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि वो मेरी हिम्मत बन गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के सामने कभी कमजोर मत बनिएगा, क्योंकि आपके आंसू इन्हें जड़ से हिला देते हैं। सच कहूं दोस्तों, मैं उसकी बात सुनकर सहम गई और उसी समय मैंने प्रण किया कि अपने नकारात्मक विचार का साया भी कभी इन पर पड़े। दोस्तों, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मनिका चौधरी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गीत नारी शक्ति। आइए सुनते हैं ये गीत।
जाए। ये जननी भी है, माँ भी है, ये बहन भी है, ये बेटी भी, ये हर घर का सम्मान भी है। फिर भी काहे को समझना, फिर भी काहे को जानना, दुनिया फिर भी बदनाम करे। शक्तिशाली है तू, दुर्गा है तू, काली है। ऐ जागो मेरे खुशहाली है। तू नारी है, तू शक्ति है, तू दुर्गा है, तू काली है। फिर भी काहे को समझना, फिर भी काहे को जानना, दुनिया फिर भी बदनाम करे। क्या यही ये दुर्गा काली है, क्या यही ये शक्ति। हमारे साथ दोस्तों आज जुड़ी हैं मंजुला जैन जी, जो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी कुछ थॉट्स महिला सशक्तिकरण के ऊपर। आइए मिलते हैं मंजुला जैन जी से। आधी आबादी की पूरी कहानी को जश्न के रूप में मनाने का दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये दिवस अभी हम सब ने मनाया भी। और दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से अपने हक के लिए महिलाओं ने ही की थी, और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की। और ये महिलाएं ही हैं जो हमें हक के लिए लड़ना सिखाती हैं, और इस दिन महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है, और जो लैंगिक एकता है, समानता है, उसको भी इस दिन प्रोत्साहित किया जाता है। और वैसे देखिए, धरती से लेकर पाताल तक हर क्षेत्र के निर्माण में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। महिलाएं ही बिजनेस, उद्यमी कार्यों और वेतन रहित श्रम के रूप में अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और कॉरपोरेट जगत की यदि बात करें तो आज हर बड़े पद पर महिलाओं का ही वर्चस्व है, और भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में भी महिलाओं ने अपने कौशल कार्य से ही एक अपनी अलग पहचान बनाई है, और साथ ही एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, प्रेमिका और दोस्त के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। सशक्तिकरण हमेशा भीतर से आता है, और आप ये मानिए कि ये जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, आत्मसम्मान हासिल करें, और अपना महत्व को समझें, और अपना सम्मान की देखभाल करें। और ये जो खुद के भीतर विश्वास करना है, इसका निर्माण आप खुद करें कि हम अपने भीतर कैसे विश्वास को लाएं। और इसके लिए ये भी अच्छा होगा कि हम जो कौशल है, कुछ हुनर है, उसको भी ज़रूर सीखें। और यदि सशक्त बनाने की ही यदि बात है तो एक जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी भी महिला को सशक्त बना सकता है। शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास, ये सब विकास की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। शिक्षा महिलाओं को चयन करने की शक्ति देती है, जिससे उनका भी कल्याण होता है, और बच्चों और परिवार के जो शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, उनका जीवन है, वो भी सुनिश्चित होता है, और परिवारों का विकास भी होता है। इसलिए जो महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहें।
और एक पक्ष और है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सुरक्षित भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी वो ज़रूर करें और बिना किसी के ऊपर निर्भरता के अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी अपना जो आर्थिक पक्ष है उसको भी बहुत ज़्यादा आप बना के रखें और उस पर भी ध्यान दें। और ये भी ज़रूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का, हाइजीन का, सेहत का भी ख्याल करें, तभी वो अपनी जो पहचान है, अपने अस्तित्व के लिए एक मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती हैं। और यदि हम महिलाओं के विरुद्ध शोषण के अपराधों की यदि हम बात करें तो अनेक अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। और इसलिए बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कानूनी अधिकारों को भी जानें। वैसे भारतीय संविधान महिलाओं को बहुत प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये बहुत तरह के इस तरह के जो अधिकार हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं। तो माँ, पत्नी, बेटी, कर्मचारी या महिला के रूप में क्या क्या अधिकार आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं इसका आपको पता होना चाहिए। और देखिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है। महिला दिवस हमें केवल यह याद दिलाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी और बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तू आधार हो, इस बेमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही मात्र प्यार हो, चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। दोस्तों, जब हम बात महिला दिवस की कर रहे हैं तो हम ये गीत कैसे भूल सकते हैं, जो कि फिल्म खामोशी में से है और जिसको स्वर से सजाया है कुमार सानू जी और कविता कृष्णमूर्ति जी ने, और गीत के बोल हैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत। Thank you.
आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आपका कार्यक्रम हमें कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे फिर शनिवार को एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।